दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे और मजेदार वाटर स्लाइड देखने जा रहे हैं, जहां पर कोई भी और किसी भी मौसम में स्लाइड किया जा सकता है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वाटर स्लाइड पार्ट 4 वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये टॉर्नेडो वाटर स्लाइड यूएस में स्थित है, जो कि इसके यूनिक आकार के वजह से ये वाटर स्लाइड काफी प्रसिद्ध भी है। तो इसमें एक साथ 4 लोग राफ्ट में बैठकर इस राइड का मजा उठा सकते हैं, जिसमें लोग पहले ये टनल से स्लाइड करते हुए गुजरते हैं और फिर वो टॉर्नेडो के आकार जैसे बनाए गए स्लाइड में पहुँच कर वहाँ पर गोल गोल घूमने लगते हैं। और लोग ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए टॉर्नेडो में बनाए गए टनल से निकल जाते हैं। तो इससे आपको यही पता चल गया होगा कि इसका नाम टॉर्नेडो इसलिए रखा गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप असली टॉर्नेडो में ही फंस गए हैं। नंबर 2, ये ब्लैक होल वाटर स्लाइड को सबसे खतरनाक स्लाइड में से एक माना जाता है, जो कि इसके नाम से ही पता चल गया है कि यह ब्लैक होल की तरह ही बनाया गया है। क्योंकि इस स्लाइड में स्टार्टिंग में लाइट्स भले ही होगा, लेकिन बीच में इतना अंधेरा हो जाता है कि स्लाइडर्स को कुछ दिखता भी नहीं है, और इसी अंधेरे की वजह से स्लाइड में मजा और बढ़ जाता है। और इसे ब्लैक होल वाटर स्लाइड आपको अक्सर हर एक वाटर पार्क में दिखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे में पहले ही अंधेरा होकर बाद में LED लाइट्स लगाया गया होता है, और इसी अंधेरे की वजह से बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंच चुकी है। नंबर 3, दोस्तों ये कैनन बॉल वाटर स्लाइड अपने 10 फुट ड्रॉप के वजह से काफी चर्चे में है, जिसमें राइडर पहले ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर पहुंचकर उन्हें 10 फुट इतने ऊंचाई से ड्रॉप कर दिया जाता है, जिससे वह सीधा तेजी से पानी में जा गिरते हैं, जो कि आप ही खुद ही देख लीजिए। नंबर 4, अब ये देखिए जिसमें वाटर स्लाइड और रोलर कोस्टर दोनों का मजा उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले लोगों को रोलर कोस्टर के कार में बिठाया जाता है और उसी कार के डेक में बहुत सारा पानी भरा होता है, जो कि लोग ऐसे ही गर्म पानी में बैठते हैं, और इसीलिए इसको हॉट ट्यूब रोलर कोस्टर कहा जाता है, जो कि जापान में स्थित है, जहां पर आपको हर एक तरह के स्पा की तरह ही राइड्स मिलेगा। नंबर 5, यह है टर्म 3000 वाटर स्लाइड, जिसमें स्लाइड को यह टावर के चारों तरफ 360 डिग्रीज में बनाया गया है, जो कि जब लोग यह स्लाइड शुरू करते हैं तो वह इस टावर के चारों तरफ ऐसे 360 डिग्रीज घूमते हुए जाते हैं, और इससे राइडर काफी देर तक यह राइड का मजा उठा सकते हैं, क्योंकि वे लोग ऐसे ऊपर से नीचे चारों तरफ घूमते हुए आते हैं, और ये सच में बहुत ज्यादा ही मजेदार और रोमांचक स्लाइड है, जो कि आखिर में राइडर्स बहुत देर तक स्लाइड करने के बाद यह पानी में जाकर गिर जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इस वाटर पार्क में एक्वा ड्रॉप भी मौजूद है, जिसमें स्लाइडर को अचानक ही नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है और उससे लोगों की स्पीड इतना ज्यादा हो जाती है कि वो कुछ ही सेकेंड्सों में नीचे भी पहुंच जाते हैं। नंबर 6, यह मैमथ वाटर स्लाइड को दुनिया के सबसे लंबे वाटर स्लाइड में से एक माना जाता है, जो कि 1064 फीट इतना लंबा बनाया गया है, जिसमें पहले लोगों को यह राफ्ट में बैठाया जाता है और उन्हें मशीन से धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, और ठीक ऊपर पहुंचने के बाद असली राइड शुरू होता है और राइडर्स की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिसमें लोग यह स्लाइड में स्लाइड करते हुए बहुत सारे डाउनहिल और अपहिल ड्रॉप से गुजरते हुए निकलते हैं, और हर एक डाउनहिल ड्रॉप की वजह से राइडर की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बस इतना ही नहीं, बल्कि डाउनहिल और अपहिल के अलावा इसमें बहुत सारे बीच में छोटे छोटे टनल्स भी बनाए गए हैं, और इतने बड़े स्लाइड में लोग बहुत तेजी से राइड करते हुए कुछ ही मिनटों में यहाँ आखिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोगों का स्लाइड खत्म हो जाता है। नंबर 7, दोस्तों अब यह वाटर स्लाइड इंडिया के महाराष्ट्र में मौजूद है, जो कि विदेशों के वाटर स्लाइड से कम नहीं है, जिसमें यह स्लाइड में पहले जाने के लिए 2 लोगों को राफ्ट में बैठाया जाता है, और इसमें वही लोग टनल से गुजरते हुए बाउल आकार जैसे स्लाइड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे लोग पहुंचने के बाद गोल गोल घूमने लगते हैं, और ऐसे गोल गोल घूमते हुए उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग बॉल जैसे आकार में रुक जाते हैं, जिसके बाद लोगों को खुद ही अपने आप को टनल में पहुंचाना पड़ता है, जो कि सच में दिखने में थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर दूसरा कोई इंसान आ जाए और हम लोग उधर ही फंसे रहे तो अच्छा नहीं हो सकता है। नंबर 8, जर्मनी का ये यूनिक सर्फर स्लाइड आपने कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग स्लाइड करने के लिए लेटते नहीं है, बल्कि लोग सीधा यह स्लाइड में भागते या चलते हैं, जिसमें हर किसी इंसान को इस स्लाइड में चलना पड़ता है, और यह स्लाइड बहुत पतला बनाया गया है, जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए अगर कोई भी इंसान संभाल के नहीं चलता तो वह नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों आपको ये अनोखा स्लाइड कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताइए।
नंबर 9, पोलैंड का ये शार्क स्लाइड में लोग पहले या स्लाइड में स्लाइड करते हुए तेजी से जाते हैं और फिर वो एक एक्वेरियम जैसे स्लाइड में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे मछली और शार्क भी मौजूद हैं, जो कि लोगों को यही मछली और शार्क नजदीक से दिखने को मिलता है। और ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों का स्पीड भी बहुत कम कर दिया जाता है और ये स्लाइड बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये कांच बहुत ज्यादा ही मजबूत लगाया गया है। जिसमें लोग जब ये एक्वेरियम पार कर लेते हैं तब उन्हें खुद ही स्लाइड से बाहर निकलना पड़ता है। नंबर 10, दोस्तों ये एक्वालैंड का वाटर स्लाइड लोगों के दिल के धड़कने बढ़ा देता है क्योंकि जब इसमें लोगों को इस राफ्ट में बैठाकर स्लाइड करवाया जाता है तो वह तेजी से ऊपर इस ढलान के ऊपर पहुंचकर वापस वे लोग नीचे पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए जाते हैं, जो कि इतनी तेजी से कोई भी अगर ढलान पे पहुंचता है तो उनके दिल की धड़कने बढ़ जाती है। और बस इतना ही नहीं बल्कि लोग तेजी से इसे ऊपर ढलान से और नीचे पहुंचते हुए ये साइड में बनाए गए स्लाइड से गुजरते हुए पूल में गिर जाते हैं। नंबर 11, दोस्तों अब यह रोलर कोस्टर राइड देखिए जिसमें लोगों को पहले यह कोस्टर में बैठाकर धीरे से ऊपर लेके जाते हैं और असली मजा ऊपर से शुरू होता है जो कि आप ही खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वाटर स्लाइड पार्ट 4 वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अगर आपको ऐसे ही वाटर स्लाइड के वीडियोस देखने हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।